दर्ज हुई है, एक हुई रतनगढ़ में 190/17 और एक हुई है अमराज में 238/17। सुरेंद्र की डेथ का जिसका पोस्टमार्टम अभी चल रहा है, इन दोनों FIR के साथ ये सारा केस CBI को भेजने की अनुशंसा राज्य सरकार करेगी। बाकी आगे का काम CBI को करना। कुछ और विषय थे, विशेषतापूर्ण कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करेगी, उसमें हमारी समझ बड़ी कम, कोई व्यवस्थापूर्ण कुछ छोटी मोटी थी, सोन सिंह के यहाँ उसके परिवार को निर्णय नहीं देते, उसके बारे में होगा। सोन सिंह के परिवार को कोई बाकी लोगों से मिलने का, उसके बारे में भी हमने उनको आश्वस्त किया, अपने जीवन को जैसे गुजारना चाहें वो गुजारे। हमें उनके मोटे रूप में एक तरह से इस सहमति के आधार पर हमने इनसे भी आग्रह किया है कि आपके जो भी आंदोलन की आगे की जो प्रक्रिया है उसको भी इस वार्ता के साथ सम्मिलित करते हुए सौहार्दपूर्ण वार्ताओं में प्रदेश के वातावरण, और जिसने जिस प्रकार में भी कोई कमी रही होगी तो CBI उसके खिलाफ भी जिस प्रकार का रिएक्शन देगी। ये माने सर CBI जांच के लिए आप अनुशंसा कर रहे हैं? दोनों केसेस में, सामराज वाला केस जो हुआ था जिसमें सुरेंद्र सिंह ने एक FIR दिखाई थी।